मतगणना की प्रक्रिया लगातार जो है चल रही है जमुई में और बिहार के तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज फाउंडेशन के सुमित कुमार मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जमुई की वर्तमान स्थिति अभी क्या बता रही है? देखिए, अगर जमुई लोकसभा की बात करें तो जो चिराग के भनोई हैं अरुण भारती, वो लगभग 63,627 वोट से आगे चल रहे हैं। जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं वो अर्चना रविदास, शुरू से ही अगर देखा जाए पहले राउंड से ही वो पीछे है और अभी तक लगातार पीछे ही हैं, और अभी अरुण भारती अच्छी बढ़त लेकर के आगे हैं और लगभग जो आधा समझिए कि आधी जो काउंटिंग होनी है, जो चरण है आधा खत्म हो चुका है और लगभग आधे राउंड बचे हुए हैं अभी। तो देखिए क्या होता है जम्मू में, अगर बांका की बात करें तो बांका में गिरधारी यादव जो हैं, जो एनडी के प्रत्याशी हैं और जनता दल यूनाइटेड के टिकट से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी बढ़त ले आई है। लगभग 47,740 वोटों से गिरधारी यादव आगे चल रहे हैं। अब बात करें अगर मुंगेर की, तो मुंगेर में ललन सिंह ने अपना जो सीट है और अपनी जो इज्जत है उन्होंने बचाई है और लगभग 48,879 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि अनंत सिंह का फायदा उनको मिला है निकल? हाँ, देखिए अनंत सिंह जो 15 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर निकले, उसका बड़ा असर कहिए, जो अनंत सिंह क्षेत्रों में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, तो उसका बड़ा असर पड़ा है और ललन सिंह को बहुत ही फायदा हुआ है अनंत सिंह के बाहर निकलने से और उनके चुनाव प्रचार में घूमने से, लोगों को मिलने से। तो अनंत सिंह का बड़ा फायदा ललन सिंह को दिया है। काराकाट में पवन सिंह भी खड़े थे, तो क्या लग रहा है वहाँ की स्थिति? देखिए काराकाट के बारे में अगर कहा जाए कि जो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, बड़े नेता हैं, और उपेंद्र कुशवाहा और अगर दोनों के वोटों का अगर आप देखिएगा अंतर तो बहुत कम है। हम अभी अभी जो मैंने लास्ट अपडेट मैंने देखा है लगभग 7,000 वोट का ही अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि पवन सिंह से ज्यादा वोट लेके आए हैं, लेकिन मतों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 7,000 वोट ही उपेंद्र कुशवाहा बढ़त बना के रखे हुए हैं पवन सिंह से। पवन सिंह अभी तीसरे नंबर में है और जो राजा राम सिंह है, जो CPIML के कैंडिडेट हैं, उनको लगभग मैं आपको बता दूं 40,682 वोट से आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दूसरे पोजीशन में है, तो पवन सिंह का जो इफेक्ट है वो उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ रहा है काराकाट में। तो कहीं ना कहीं NDA को पवन सिंह के खड़ा होने का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगत एकदम जरूर। पवन सिंह ने बोलेंगे 7,000 मात्र वोट का अंतर है उपेंद्र कुशवाहा से, मात्र 7,000 वोट ही पीछे हैं पवन सिंह, तो पवन सिंह का फैक्टर जो है वहां पर NDA को नुकसान दे रहा है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो क्या स्थिति मिसाबाद? पाटलिपुत्रा में तो गजब हुआ है, रामकृपाल यादव जो है, जो सिटिंग सांसद थे पाटलिपुत्रा के, उन्होंने लग तो रहा है कि अभी हार के कगार पे पहुंच गए। मीशा भारती ने समझिए कि पार्टी की और लगातार वो दो बार से हार भी रही थी, तो इस बार उन्होंने अगर मैं बात करूँ पाटलिपुत्र की, तो वहां से भी लगभग 40,628 वोट से मीशा भारती जो है वो आगे चल रही हैं और लग रहा है कि अगर इतना अंतर है तो पाटलिपुत्रा में तो लग रहा है कि RJD की मीशा भारती वहां से चुनाव जीत जाएंगे। सीधे तौर पर चिराग पासवान की सीट को लेकर बात करते हैं, क्या है? देखिए चिराग पासवान का तो पहले से ही था सीट क्लियर था कि हाजीपुर उनका जाने का ही मतलब था, जमुई संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके वो हाजीपुर गए हैं, तो हाजीपुर की जनता का प्यार तो उनको मिलना ही था। अगर उनकी बात करें तो लगभग 58,840 वोटों से चिराग पासवान जो हैं वो अभी आगे हैं, तो चिराग पासवान का तो क्लियर था जैसा लोग भी कह रहे थे, प्लस उनका खुद का अनुमान था कि मैं यहाँ से जीतूंगा, तो चिराग पासवान का क्लियर। और चिराग पासवान का सिर्फ ही नहीं, चिराग पासवान के जो पांच कैंडिडेट खड़े हैं, पांचों कैंडिडेट समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जो हैं वो भी लगभग बहुत ज्यादा ही राउंड से आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा मत से ही आगे बढ़ रही है, तो पांचों सीट पर चिराग पासवान की जो पार्टी है LJPR वो बढ़त बनाई हुई है, तो चिराग पासवान को एक कमे तो बड़ा बड़ा बढ़िया माइलेज मिला है, तो चिराग पासवान को इसका फायदा आगे मिलेगा। क्या लग रहा है BJP 405 जो लगातार कह रही थी, NDA के लोग कह रहे थे, क्या संभावनाएं लग? देखिए 400 पार की बात जो BJP कर रही थी उसमें मैं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। 400 पार आना BJP के लिए पहले भी संभव नहीं था और अभी तो आप देख रहे होंगे रुझानों में 300 से भी नीचे है BJP और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनेगी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा मुझे जैसा लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा जो करीब करीब रहेगी, लेकिन हो सकता है कि बहुमत का आंकड़ा BJP को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नहीं मिले, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार तो BJP की NDA की बनेगी, लेकिन BJP थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कमजोर नजर आ रही है, चाहे UP की बात हो, बिहार में भी सीटें कमी हुई हैं, 39 से आप 30-32 पर आ गए, तो एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार तो NDA की ही बनेगी, लेकिन BJP थोड़ी सी कमजोर हुई है। फर्स्ट हाफ में तो अरुण भारती लगातार आगे चल रहे हैं हर चरण में, तो सेकेंड हाफ की स्थिति क्या लग रही है?
नहीं, अरुण अरुण भारती यहाँ से जीत जाएंगे। मार्जिन हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लगभग अभी मैं बता रहा हूँ अगर जमुई की बात करें तो 63,000 वोट से वो अभी आगे हैं, तो हो सकता है मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जीत तो तय है। अरुण भारती जमुई लोकसभा से जीत रहे हैं।